रतन टाटा के निधन से देश दुनिया में शोक की लहर है। सब अपनी अपनी तरह से रतन टाटा को याद कर रहे हैं। उनके निधन के बाद देश विदेश की बड़ी हस्तियों समेत उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सौम्यता और दयालु स्वभाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। रतन टाटा को उनके संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने काम के जरिए देश विदेश में बड़े बदलाव लाए हैं। ये बात खुद अमेरिका भी मानता है। टाटा के निधन पर अमेरिका ने शोक भी जताया है। उन्हें याद करते हुए भारत में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। हम दिग्गज उद्योगपति, एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और नेशनल आइकन के निधन पर शोकमय हैं। इनोवेशन और परोपकार के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी टाटा के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि भारत और दुनिया ने आज एक बड़े दिल वाले बड़ी शख्सियत को खो दिया। गारसेटी ने लिखा, भारत और दुनिया ने एक बड़े दिल वाले बड़ी शख्सियत को खो दिया है। जब मैं भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया था, तो भारत से सबसे पहली शुभकामनाएं मुझे रतन टाटा की तरफ से मिला था। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के बोर्ड के सदस्य के तौर पर उन्होंने मेरे होम टाउन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपने देश के लिए अधिक समृद्धि और समानता की परिकल्पना की और दुनिया के लिए काफी कुछ किया। उनकी यादें ही हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। बता दें कि टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में बुधवार रात को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के NCPA ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेताओं से लेकर अभिनेता, खिलाड़ी और आम लोगों तक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से रतन टाटा को आखिरी विदाई दी। पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई रतन टाटा को अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देना चाहता है। एक तरफ उनके घर पर उनके करीबी दोस्तों का आना जारी है, वहीं अब धीरे धीरे कुछ ऐसे फैंस, ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो रतन टाटा के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही कुछ खास उनके हैंड प्रिंट्स लेना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही दो शख्स यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिक जैन। अनिक, आप जो है साथ में ये अपने हाथ में एक मॉडल लेकर खड़े हैं, हैंड प्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये लेकर आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं? आपका मकसद क्या है रतन टाटा के घर पे आने का? जी देखिए, हम रतन जी सर के हैंड कास्ट काफी टाइम से हम करना चाहते थे। हमने काफी कोशिश भी की पहले सोर्स लगा के, बट हुआ नहीं। बट जैसे ही हमने रात को ये न्यूज सुनी तो हमें इस लाइक हम कितने साल से करना चाह रहे थे ये चीज, बट अभी ये लास्ट चांस है, तो जैसे भी है। तो शी इज माई वाइफ, शी इज द फाउंडर ऑफ एक्चुअली दिस थिंग, एंड शी वॉज इन अहमदाबाद, सो शी टुक द नेक्स्ट फ्लाइट, इमीडिएट फ्लाइट, एंड देन शी केम, वी वेंट फर्स्ट वेंट टू ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल। फिर वहां से पता चला कि उनको यहाँ से उनके घर पे लेके आ गए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सडनली रश डियर, एंड फ्रॉम बस उसी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उनके हैंड कास्ट प्रिजर्व कर सके करके। तो हैंड कास्ट आपने क्या इसके अलावा जो है रतन टाटा जी के अलावा और भी किसी बड़ी हस्तियों के या किसी के हैंड कास्ट आप लोगों ने जो है इस तरीके से लिए हैं कि ये पहला ऐसा मौका है रतन टाटा के पास आप आए हुए? नहीं, देखिए रतन टाटा जी बड़ी हस्ती करके नहीं, ये हमारे इसमें हमारा कुछ पर्सनल गेन से नहीं आए हम। इट्स लाइक कि आज रतन जी से हम बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी सादगी है, आज बहुत चीजें हैं वो कहने को कम पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि हम हमारी तरफ से क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको श्रद्धांजलि में। तो दिस इज द थिंग, लाइक देखो आज रतन जी हमारे साथ रहे नहीं, इस बात का तो अफसोस है, लेकिन ये एक लास्ट चांस है जिनके हम अगर रतन जी के कास्ट कर पाए हाथ, तो ये हमारे पास उम्र भर प्रिजर्व रहेगा। अभी उनके जो घर वाले हैं, जो करीबी है उनके, जो आज टाटा ग्रुप है, तो उनके पास एक लेगेसी रहेगी। देखो एक फोटो रहता है, लेकिन ये उनके ओरिजिनल इम्प्रिंट्स रहेंगे। जैसे ये मेरे मम्मी का हाथ है, हमने इनको किया, तो जैसे ऐसे ही अगर रतन जी के हाथ हम कर पाए तो इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है। आपने कहा 400 साल, तो क्या ये कोई खास मटेरियल होता है जो इतने लंबे समय? इसको एक मोल्डिंग पाउडर कहते हैं, जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पाउडर है, और बस ये करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए अगर कोई हमें अलो करे, तो बस हम यही करा रहे हैं। क्योंकि तो क्या है, एक रतन जी का एहसास हमारे पास हो सकता है,
देखो एक फोटो तो ये भी जैसे ये मेरी मम्मी का हाथ है, तो अगर मैं इसे अब फील कर सकता हूँ, उसकी एक एक रेखा है, एक एक चीज, ये सब साथ होती है। तो इंसान देखो किसी को आना है तो किसी को जाना भी है, लेकिन ये चीज जनरेशन तक रहती है। एंड इट इज नॉट ओनली दिस थिंग, इट इज फर्स्टली कि इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है, एंड सेकेंडली इट्स फायर प्रूफ, रस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। अच्छा, आपने जो है आप भी साथ में आए हैं, जैसे आपके हस्बैंड ने बताया आप अहमदाबाद से आए हैं, तो रतन टाटा से आप लोगों ने जब वो जीवित थे क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके ऑफिस जाने की कोशिश की, उनके टीम से आप लोगों ने संपर्क किया कि किसी तरीके से हैंडकास्ट आपको मिल जाए? हाँ, हम लोगों ने एक दो बार ट्राई किया था मिलने के लिए। हम लोग टाटा ऑफिस गए तो फिर हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाए, मतलब हमको नहीं मिला करने के लिए। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था, हम लोगों ने हाफ डे भी वहां पे रुके थे, एक दिन पूरा दिन भी रुका था, बट हम लोग नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर से ट्राई करेंगे करके। जब हम लोगों ने सोचा थोड़ा ब्रेक देते हैं, तो अभी मुझे रात को पता चला एंड आई टुक द नेक्स्ट फ्लाइट टू मुंबई एंड मैं आ गई यहाँ पे। तो अभी हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ा कुछ चांस मिल जाए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, अगर हमको 10 मिनट्स भी मिल जाए ना तो हम लोग ये कर पाएंगे। तो वी आर नॉट लूजिंग होप्स, देखते हैं अगर हो पाए तो। क्योंकि ये यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को NCPA जो नरीमन पॉइंट है वहाँ पर ले जाया जाएगा, तो क्या आप लोग वहाँ पर भी कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर उनके घर पर नहीं जाने को मौका मिला? 100% वी वोंट लीव द होप टिल द लास्ट माइल। ऑफकोर्स जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे, बस हम चाह रहे हैं अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पब्लिक व्यू के लिए है, तो हम भी मानते हैं, मतलब लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी फीलिंग्स को किसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ ट्राई करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हो जाए तो इट विल बी दी बेस्ट, लाइक किसी को डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी एंड काम आसानी से हो जाएगा। हमको ये हृदय विदारक समाचार सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, तो हम लोग यहाँ पे घटना की सत्यता की जानकारी लेने के लिए आए थे, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि रतन टाटा जी जो है वो हमारे हृदय पे, मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे, जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है, और बहुत ये जानकर खराब दुख लगा कि ऐसा हुआ। और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक है, आम जनता जैसे लोग हैं, लेकिन हमको दो बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जींस पहनी हुई थी, और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई, दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। और ऑफिस में हमने हमारे मोबाइल पर न्यूज देखा कि रतन टाटा इज नो मोर, ऐसे करके न्यूज देखा, तो तुरंत हम ऑफिस से निकले और सीधा इधर ब्रिज कैंडी ऑफिस में आ गए, गाड़ी निकाले और इधर आ गए। न्यूज सुनते ही हमें मालूम था, वी आर फॉलोइंग द न्यूज की रतन टाटा जी को कल ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, सो वी आर फॉलोइंग इट। पर जब न्यूज देखा ऑफिस में तो हम दोनों शॉक में थे और तुरंत हम गाड़ी निकल के इधर हॉस्पिटल में इधर आ गए। रतन टाटा वॉज ट्रूली अ ग्रेट मैन एंड ही वॉज आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया। उनके बहुत इंसिडेंसेस हमने पढ़े सुने और उनसे हम प्रेरित भी होते हैं। हम यंग जनरेशन उनके लाइफ लेसन को फॉलो करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद की लाइफ लीड की और कैसे एक बिजनेस इतना बड़ा डेवलप किया, और ये सब होने के बाद भी उनका जो हम्बलनेस था वो मुझे बहुत पसंद आता था, इसकी वजह से मैं उनको बहुत फॉलो करता था। ये न्यूज बहुत ही सैड और शॉकिंग थी मेरे लिए, इसलिए मैं तुरंत इधर आ गया। वो कहते हैं ना कि बहुत जन्म के बाद कोई ऐसा युग पुरुष एक जन्म में मिलता है, तो वो रतन जी के बारे में वो बातें पूरे पूर लगती है। और जैसे बात पता चली कि रतन जी अपने साथ अभी नहीं है, तो वहां से जो दुख शुरू हुआ तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े एज अ प्रोफेशन लॉयर है, बट जो भी उन्होंने लाइफ जीती है और जिनके सब पे राज किया है, वो देख के ऐसा लगता है कि रतन जी जैसा आदमी वापस होना चाहिए भारत में। भारत को और उनकी जरूरत थी और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया है और रतन जी के लिए हैट्स ऑफ।